नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट लाइन और मैं हूं सुशील। इस समय मैं मौजूद हूं नेशनल हाईवे पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टोल प्लाज़ा। आप भी जब इस रोड से निकलते होंगे तो यह ठंडी हुई टोल प्लाज़ा जो कि सरोर में है, आप भी यहां से टोल देख के फिर आगे जाते होंगे। अगर आप एग्जम्प्टेड भी हैं तो भी आप यहाँ से देखते होंगे कि ये टोल प्लाज़ा यहाँ पर ऑपरेशनल है और लोग यहाँ पर अपना टोल कटवा के आगे की यात्रा करते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं पता कि यह टोल प्लाज़ा यहाँ पे ऑपरेशनल है। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये तो पता है कि 1 अप्रैल 2020 से कितने जो टोल के चार्जेस हैं वह वसूलने हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह नहीं पता कि यह टोल प्लाज़ा ऑपरेशनल भी है या नहीं। जी हाँ, यह टोल प्लाज़ा तो पहले ही काफ़ी सारी सुर्खियाँ बटोर चुका है। जब जहाँ पर टोल प्लाज़ा इस्टेब्लिश हुआ तब भी हंगामा हुआ वहाँ, और उसके बाद हमेशा ही इस टोल प्लाज़ा पे झगड़े ही सामने आए। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जब हम देखते हैं वहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि टोल प्लाज़ा यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने कि ये टोल प्लाज़ा यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है तो फिर ये सारा पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? इस टोल प्लाज़ा पर जब बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की इतनी ज़्यादा समस्या है कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। लगभग 2 लेन्स यहाँ पूरी की पूरी पानी में डूब जाती हैं, और जो दूसरी तरफ जिसे VIP लेन बनाया गया है उसकी हालत आप देख के समझ सकते हैं कि अगर VIP लेन की ये हालत है तो जो आम जो फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है वह कैसी होगी। तो इस रोड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस रोड पर लखनपुर में भी टोल प्लाज़ा इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन वह भी लिखा गया है कि नॉन ऑपरेशनल है। उस टोल प्लाज़ा की भी मैं बात करूं तो वहां पे भी वाटर लॉगिंग की काफ़ी समस्या है। टोल प्लाज़ा के बिल्कुल आगे जब आप चलते हैं तो जब कभी बारिश होती है तो वह पूरा का पूरा नेशनल हाईवे पानी में डूब जाता है, और कई बार जो लोगों की गाड़ियाँ हैं उस वाटर लॉगिंग में फंस के ख़राब हो चुकी हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह देखना चाहिए कि क्या यह टोल प्लाज़ा ऑपरेशनल है, और अगर ऑपरेशनल है तो लोगों को प्लीज़ फैसिलिटी दीजिए। जो गलत डायरेक्शन बोर्ड आपने लगा रखे हैं उन्हें ठीक कीजिए। जो आपके सिग्नल हैं, जो बोर्ड हैं, चाहे वो सिग्नल के बोर्ड हैं, वह अभी झाड़ियों के पीछे छुप चुके हैं जो कि किसी को दिखते नहीं, उन्हें आप ठीक करवाइए। और यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग होती है उसे भी ठीक कराने की कोशिश कीजिए, और जो आपकी VIP लेन है कृपया करके उसे देखिए। तो मेरे साथ यानी सुशील के साथ इस समय के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द स्टेट लाइन। नमस्कार।